और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे जो इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है। पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। बंजारी मंदिर के पीछे खमतराई में है ये पेंट फैक्ट्री। ZMC एंड पॉलीमर्स फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। दमकल की एक गाड़ी मौके पर मौजूद है। तेज हवा के कारण ये आग फैलती जा रही है और ताजा तस्वीरें इस आग जलने की घटना की हम दर्शकों को दिखा रहे हैं सुराज एक्सप्रेस पर। धू धू कर जलती हुई फैक्ट्री, धुएं का गुबार तेजी के साथ उठता हुआ। शिवम मिश्रा मेरे सहयोगी रायपुर से ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, कब और कैसे हुई आगजनी की घटना, क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं आग के और फिलहाल क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पेंट फैक्ट्री में आग की घटना है, ये पूरी घटना खमतराई थाना क्षेत्र की है। बताया करीबन ये आधे पौन घंटे पहले की घटना है। क्या इस प्रकार का मामला हो रहा था कि वहाँ पर कुछ माल छोड़ने के लिए, केमिकल छोड़ने के लिए और गाड़ियां मौजूद थी और उसी के चलते उस केमिकल को वहाँ पर डंप किया गया। उसके बाद तेज गर्मी थी और गर्मी की वजह से कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के चलते वहाँ पर आग लग गई और आग तेजी से देखते ही इतनी तेजी से वहाँ पर फैलने लगी कि उसके बाद वहाँ पर जो मौजूद कर्मचारी थे फैक्ट्री के, उन्होंने मालिक को सूचना दी, मालिक के साथ पुलिस को सूचना दी और इसके चलते पुलिस मौके पर पहुंचकर तत्काल प्रभाव से दमकल की गाड़ियों को सूचना देते हुए सभी आसपास की जो प्राइवेट फैक्ट्री की गाड़ियां थी वहां पर भी उनको बुलाया गया है। और आग काफी तेजी से फैल रही है क्योंकि दोपहर का वक्त है, गर्मी का वक्त है और हवा इतनी तेजी से चल रही है कि केमिकल है और लगातार वो आग बढ़ती जा रही है। मौके पर इस वक्त करीबन आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी है और लगभग 40% तक आग पर काबू पा लिया गया है। और किस कारण से आग लगी है, क्या कहना है, ये खमतराई थाना प्रभारी रमाकांत साहू का कहना है कि आगे भी आग लगातार बढ़ती जा रही है। आप बता रहे हैं 40% आग पर नियंत्रण पा लिया गया है लेकिन जो 60% हिस्सा है वो भी जल्द बुझा दिया जाए दमकल विभाग के द्वारा। लगातार आप इस खबर पर शिवम नजर बनाए रखिए, आपका रुख हम लगातार करते रहेंगे। और बात सागर की होगी जहां